हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मैथ्स क्लास में। आज हमारा टॉपिक है क्लास 11th चैप्टर नंबर 9 का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी कि जिसको अपन हिंदी में कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी। तो देखिए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन क्या है? अ सीरीज इन विच द रेशियो ऑफ एनी टर्म्स टू प्रीसीडिंग टर्म इट्स सेम थ्रू आउट इज कॉल्ड GP एंड कॉन्स्टेंट रेशियो इज कॉल्ड कॉमन रेशियो। यानी कि एक ऐसी सीरीज जिसका अपने पहले वाली टर्म से रेशियो एक कॉन्स्टेंट हो तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अगर देखें अपन यहां पर क्या है, 3, 6, 12, 24, तो 6/3 अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलेगा 2। 12/6 करते हैं तो 2, 24/12 करते हैं, यानी कि किसी भी टर्म को उसकी पहले वाली टर्म से जब हम डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है? यहाँ पर हमें 2 मिल रहा है। ठीक है, देखें जैसे यहाँ पे रफ कर रहा हूँ, 6/3 2 है, 12/6 2 है, 24/12 ये भी 2 है। ठीक है, तो ये सारे हमको क्या मिले? 2 मिले, है ना। मतलब अपने पहली वाली टर्म के साथ इनका रेशियो कैसा है? सेम है, अनुपात समान है। इनको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी कि GP। ठीक है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ए आर स्क्वायर ए आर क्यू। देखिए इसमें क्या होता है, जो नेक्स्ट टर्म होती है ना, वो हमें कैसे मिलती है? नेक्स्ट टर्म मिलती है प्रिसीडिंग टर्म में, पिछली टर्म में किसी पर्टिकुलर नंबर का मल्टीप्लाई करते रहने पर। जैसे यहाँ पे आर का मल्टीप्लाई हुआ ए आर हो गया, फिर आर का मल्टीप्लाई हुआ ए आर स्क्वायर हो गया, फिर आर का मल्टीप्लाई हुआ ये क्या आ गया? ए आर क्यूब। ठीक है, तो ये जीपी की पहचान होती है कि एक के बाद एक आने वाले जो टर्म्स है उनके बीच रेशियो क्या होता है? सेम होता है ना। इस सेम रेशियो को या कांस्टेंट रेशियो को या कांस्टेंट को अपन वो क्या देते हैं नाम? इसको हम नाम देते हैं कॉमन रेशियो और डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। ठीक है, अगर हमें किसी जीपी की nth टर्म निकालनी है तो nth टर्म निकालने के लिए फार्मूला क्या है? ये देखिए, nth टर्म ऑफ जीपी ए आर टू दी पावर एन माइनस वन। ठीक है, और यदि हमको निकालना है सम ऑफ एन टर्म ऑफ जीपी तो इसमें दो कैटेगरी है ना। पहला जो हम आर निकालते हैं कॉमन रेशियो, उसका मोड अगर वन से लेस है तो ये होगा ए वन माइनस आर टू दी पावर एन अपॉन वन माइनस आर। लेकिन अगर R का जो मोड है वो ग्रेटर देन अगर 1 है तो ये वाला फार्मूला लगेगा, ए R टू दी पावर n वाली टर्म पहले आएगी, है ना, और नीचे भी R वाली टर्म पहले आएगी। ठीक है, अब हम इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, समझते जाइएगा साथ में। तो यहां पर देखिए, यहां पर दिया है 5/2, 5/4, 5/8, ये एक जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो यहां पर हमें ये बोला है कि आप इसका 20th टर्म निकालो, हमें निकालना है यहां पर 20th टर्म निकालना है और nth टर्म निकालना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपन लेते हैं a, यहां पर क्या होता है? a होता है फर्स्ट टर्म, यानी कि पहला पद। तो हमने a लिया 5/2। R क्या होता है बेटा? R निकालने के लिए हम क्या करते हैं? सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं। तो 5/4 को 5/2 से अपन ने डिवाइड किया, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया।
गया, ये टू ऊपर चले जाएगा तो टू अपॉन फोर, तो ये हो जाएगा वन बाय टू। अब देखिए फार्मूला क्या होता है, टी एन इज इक्वल टू ए आर टू दी पावर एन माइनस वन, ये क्या होता है फार्मूला। अब देखिए ये हो जाएगा टी ट्वेंटी, तो ए आर टू दी पावर ट्वेंटी माइनस वन, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है फाइव अपॉन टू, आर की वैल्यू वन अपॉन टू टू दी पावर ट्वेंटी माइनस वन, तो फाइव टू ये टू की पावर कितनी हो जाएगी नाइनटीन, है ना, वन की पावर भी नाइनटीन और टू की पावर भी नाइनटीन, तो वन की पावर कितनी भी होगी क्या मिलेगा हमको, वन ही मिलता है ना। अब ये आ गया टू की पावर नाइनटीन, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया फाइव अपॉन टू की पावर ट्वेंटी, एक आंसर ये आ गया आपका, है ना। अब अपन सेकंड वाला देख, मतलब इसी का सेकंड पॉइंट देखते हैं, टी एन ए आर टू दी पावर एन माइनस वन, ए फाइव बाई टू वन अपॉन टू टू दी पावर इस पूरे की पावर एन माइनस वन, तो ये आएगा फाइव टू की पावर वन इंटू टू की पावर एन माइनस वन, तो ये हो जाएगा फाइव अपॉन टू की पावर एन, है ना, ये पावर जुड़ गई। तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर हमको मिल गई nth टर्म ऑफ जीपी, ठीक है। तो इस तरह से जीपी के क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। चलिए देखिए अब हम इसी जीपी की 10 टर्म का सम निकालते हैं। तो S10, अच्छा फार्मूला क्या होता है, फार्मूला देखने पहले Sn इज इक्वल टू R, यहां पर अपना 1 बाई टू है मतलब वो लेस देन 1 है, तो फार्मूला ये लगेगा A 1 माइनस R टू दी पावर n अपॉन 1 माइनस R, A की वैल्यू कितनी है यहां पर अपने पास में, A की वैल्यू है 5 अपॉन 2 1 माइनस आर टू दी वैल्यू 10 वन माइनस वन अपॉन टू फाइव अपॉन टू, ठीक। अब करिए टू की पावर 10 कितना होता है, तो वन माइनस 1024 अपॉन 1 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहां पे आ गया 5 इंटू 1023 इंटू 1024, ठीक है। अब इनका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से हम nth टर्म और सम ऑफ n टर्म निकालना सीख गए हैं, जीपी सीख गए हैं। अगली क्लासेस में अपन जीपी से जुड़ी और भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।